उठा के देखना बैहकी शरीफ, उठा के देखना सुनने कुबरा, उठा के देखना तबकाते इब्ने साद। हदीस मौजूद है कि नबी के जानू पे अली सर रख के सो रहे थे। सारे साहबा ने नमाज पढ़ ली थी असर की, नबी ने भी पढ़ ली थी, अली सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाए कि उनके पांव पर जानू पे सर रख के नबी, बोलिए, लोग कह रहे हैं सो रहे थे, मेरा दिल कहता है नबी अली का दिल टो रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। देखें नमाज के लिए उठता है या मेरी इताअत में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी इताअत में रहता है। अगर चिल्ला करके आए होते 3 दिन का 40 दिन का तो फौरन हुजूर को उठाते, कहते हुजूर नमाज छूट जाएगी, उठिए उठिए नमाज छूट जाएगी, लेकिन नहीं, नबी सो रहे हैं, अली रो रहे हैं। रो क्यों रहे थे? क्योंकि सूरज डूब गया। सूरज डूबा तो अली की नजर सूरज पर, कभी नमाज अली की कजा नहीं हुई थी, आज कजा हो गई। ये गम इतना भारी अली पे गुजरा कि वो गम आंसू बनकर अली की आंखों से छलक गया, छलक कर रुखसारे अली से गुजरते गुजरते, क्योंकि नीचे नबी का सर था, हुजूर के रुखे वद्दुहा पर वो आंसू का कतरा गिर गया, वो कतरा वो बूंद गिरनी थी। नबी ने आंखें खोल दी, आंखें खोली तो देखा अली की आंखें लाल है, रो रहे। फरमाया मालक क्या हुआ? अर्ज किया सरकार आसमान की तरफ देखिए, सबने असर पढ़ लिया था, मुझे मौका ना मिला मेरे जानू पे सर रख के आप आराम फरमा रहे थे, मैंने सोचा नमाज के लिए उठूं, लेकिन आपकी इताअत और आपकी फरमा बरदारी ने मुझे उठने न दिया, लेकिन नमाज के छूटने और कजा होने के गम ने मुझे रोला दिया और ये आंसू आंखों से टपके और आपके चेहरे पे गिर गए। सरकार माफ करना, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अबू तालिब के बेटे की नमाज कभी कजा नहीं हुई थी, आज कजा हो गई। इतना कहना था भरूच वालों, जमीनों आसमान गवाह, सहबा की वादियां भी गवाह हैं। आका अलैहि सलाम ने हाथ को उठाया, अर्ज किया मौला, तवज्जो रहे, इन्ना अलीयन कान फी इताअतिका व फी इताअति हबीबिका फरद्दिश शम्स लहू। ए मौला अली, तेरा बंदा अली तेरी और मेरी इताअत में था। आप जरा सोचें, नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है या छोड़ना अल्लाह की इताअत है? बोलिए, इताअत का मतलब पैरवी, फरमा बरदारी, आज्ञा का पालन। नमाज पढ़ने में पालन होता है या छोड़ने में? बोलो, पढ़ने में। बोलो, अली ने छोड़ी और नबी फरमा रहे ऐ मौला मेरा अली नमाज छोड़कर तेरी फरमा बरदारी में था, मेरी फरमा बरदारी ही तेरी फरमा बरदारी, मेरी ही इताअत तेरी ही इताअत है, जो मेरा है मौला वही तो तेरा, क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा, तो जो मेरा है वही तेरा है। इन्ना अलीयन कान फी इताअती का व फी इताअती हबीबी का, ए अल्लाह तेरा अली मेरा अली तेरी इताअत में था, तेरे नबी की इताअत में था, ए अल्लाह इसकी नमाज कजा हो गई, इसलिए इसलिए सूरज को मौला पलटा दे, पलटा दे, पलटा दे। इतना कहना था, इतिहास में पहली बार हुआ कि डूबा हुआ सूरज नबी ने पलटा दिया, सूरज पलटा, ये मौजजा सुना है सबने, सूरज पलटा तो अली, अली नमाज के लिए खड़े हो गए, बावजूद थे पहली रकत में है सूरज अली को देख रहा है, दूसरी रकत में है सूरज अली को देख रहा है, तीसरी रकत में है सूरज अली को देख रहा है। अब मैं सूरज से कैसे पूछूं? मैं जबान वाला वो बेजबान तो मैंने विचारों की दुनिया में आलम ख्याल में सूर्य महाराज से पूछा, ऐ सूरज कब कब सेट होगा, कब गुरूब होगा, कब डूबेगा, किस समय? तो सूरज ने कहा पहले पूछा होता तो मैं बता देता कब डूबूंगा, कितने बजे सनसेट होगा। अब अली से पूछो कब इनकी नमाज पूरी होगी,
कब इनकी नमाज पढ़ी, कहा वो क्यों, कहा सुन रोज मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए टाइम पे निकलता था, टाइम पे डूबता था, आज मैं सभी के लिए नहीं सिर्फ अली के लिए निकला, इसलिए जब तक अली नमाज पढ़ते रहेंगे मैं डूबूंगा नहीं। देखता रहा जरा गौर करो यार, जब तक एक नुक्ता आ गया, अचानक अल्लाह करे पसंद आ जाए, जब तक अली ने, किसने, अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, अली सूरज को देखा करते थे और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। तो भैया तुम सूर्य नमस्कार करो, हम काहे करें, वो सूरज तो मेरे अली को नमस्कार कर रहा।